उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने बताया कि हम लोग दवा प्रतिनिधि पूरे भारतवर्ष में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे कानूनों में छेड़छाड़ कर रही है। जबकि सरकार से वार्ता हो चुकी थी, इसलिए सरकार से मांग है कि हमारे कानूनों में छेड़छाड़ बंद करे। और क्योंकि ये कानूनों मालिकों के हक में है, उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिक से की बात को सुने और श्रमिकों के हक में फैसला ले। इस अवसर पर आशीष श्रीवास्तव, जितेंद्र पांडे, शुभम मदन लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कहा, इस प्रकार से हमारी पूरे भारत में लोग अगर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सरकार ने उसको मालिकों के हक में कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेके हम लोग जो है अपने 8 मुद्दों को लेके हम लोग जो है 30 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें मांग है हमारा प्रोटेक्ट द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन सर्विस एक्ट 1976 एंड फ्रेम द सैचुरिटी वर्किंग रूल्स फॉर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एंड रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योर द राइट फॉर वर्क, जो अधिकार है हमारे ऊपर।